नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे धौलपुर में धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट के, साथ ही बताएंगे कि कैसे नोएडा में प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में पीटीएम के साथ हिंदी और अंग्रेजी विषयों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और बताएंगे कैसे प्रशासन के लाख प्रयास के बाद भी महेशपुर प्रखंड क्षेत्र में नहीं रुक रहा है ओवरलोड और अवैध पत्थर का काला कारोबार। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। धौलपुर जिले में स्थापित धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट राजस्थान प्रदेश में बिजली संकट के दौर में सफेद हाथी साबित हो रहा था। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सरकार ने करीब 1100 करोड़ रुपए की लागत से गैस आधारित पावर प्रोजेक्ट बनवाया था, लेकिन महंगी गैस के कारण प्लांट में बिजली उत्पादन बंद करना पड़ा था। लेकिन जब जब कोयला आधारित बिजली घरों में कोयले की कमी से संकट आया है, उस समय ये पावर प्लांट सरकार और लोगों की मदद करता रहा है। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने कई बार प्रदेश में आए बिजली संकट के बीच इस गैस आधारित प्लांट को चालू कराया था। विद्युत उत्पादन निगम में सब जब बिजली उत्पादन की डिमांड की जाती है तो प्लांट में करीब आधा घंटे में विद्युत उत्पादन चालू हो जाता है। भीषण गर्मी में बिजली संकट के बीच प्लांट में विद्युत उत्पादन फिर से शुरू कर दिया गया है। इस पावर प्लांट में 110 मेगावाट की 3 यूनिट हैं। 330 मेगावाट वाले पावर प्लांट में विद्युत उत्पादन की क्षमता 7.92 मिलियन यूनिट प्रतिदिन है। भीषण गर्मी को महसूस करते हुए राजस्थान सरकार एवं उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश में धौलपुर पावर प्लांट की इकाइयों से विद्युत उत्पादन प्रारंभ हो चुका है, जिससे इस उत्पादन से आम जनता को राहत मिलेगी। इस पावर प्लांट से उत्पादित पावर हमारी धौलपुर भरतपुर एवं हिंडोन लाइनों से बिजली का प्रभाव रहेगा। धौलपुर से सीनियर संवाददाता राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। मामला गिरिडीह जिला के गांडे प्रखंड ताराटांड थाना क्षेत्र के फूलची का है, जहां दो भाइयों व उनके परिवार के सदस्यों के बीच आपस में मारापीटी कर एक दूसरे को गंभीर रूप से घायल कर देने का मामला प्रकाश में आया है। घटना बीते दिनों 22 मई बुधवार की है, जिसमें प्रथम पक्ष के लोगों ने बताया कि बंटवारे के अनुसार अपने हिस्से में आए पुराने खपड़ैल मकान के मरम्मत कर रहे थे, तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने प्रथम पक्ष के लोगों को मना करने लगे, जिससे तूतू मैमे के बीच मारपीट की स्थिति आ गई और मामला काफी बढ़ गया, जिससे दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडा कुल्हाड़ी आदि से हमला कर दिया। दोनों पक्ष अपने नजदीकी थाने में मामले की सूचना हेतु पहुंचे, जहां थाना प्रभारी ने लिखित रूप से दोनों पक्षों को इलाज के लिए गिरिडीह स्थित सदर अस्पताल भेजा, जहां दोनों पक्षों का इलाज चल रहा है। अब देखना है कि इस मामले में थाना प्रभारी कितने सरलता से मामले को शांत करते हैं और दोनों पक्ष के लोगों को बराबर इंसाफ करते हैं या नहीं। क्या आपके साथ घटना हुआ था? घटना हुआ, हम अपना घर में काम कर रहे थे, टूटल फाटल घर रिपेयरिंग कर रहे थे, तो छोटका भाई आके झगड़ा झंझट कर दिया, उसका परिवार मारपीट किया हमको। तो माँ घर में सुतता है, तो हम सोचे इसको छाड़ देंगे बढ़िया से, तो वो हमसे रहने लगा, बोले कि झगड़ा झंझट मत करो, जा करके पंच को लाओ और जिस तरह बांटा है उसको वो बताएगा। तो एक वार्ड सदस्य आया, बोला नहीं, बोलो ठीक है छाड़ने दो, नया नहीं छाड़ रहे पुराने में। तो चिरामे ने आया, बोला बोल नहीं, बोलो वहाँ तक है, बोल तुम लोग नहीं बात मानेगा तो तुम लोग जाओ लड़ो मरो, हाँ थाना जाओ। तो वो बोला कैसे, मेरा छोटका भाई चढ़ा और हमको जाके पकड़ लिया, छटका भाई चढ़ा, उसके बाद उसका बेटा चढ़ा। कौन कौन मारपीट किया? मारपीट किया था रंजीत प्रसाद वर्मा और पवन, और हमारा भाव लगता है वो बांस से मारा, ये दहना हाथ में जो पूरा 4-5 को सिला है। ये जो घटना हुआ था कब हुआ है? कल हुआ है, कल कल थाना में आवेदन देने के लिए गया, बोला जाओ बोल जा करके टिक वेस्ट कराओ, तब यहाँ कोई सुनवाई होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, जाओ। हम
भैया जी फिलहाल अभी आप प्रशासन से क्या कुछ मांग रहे हैं? यही कहना चाहते हैं अपने कि हम लोग को बढ़िया से ठीक कर दीजिए, ताकि हम लोग कभी झगड़ा झंझट ना करें, आके चेक करें और देखें कि क्या सही क्या गलत है। माँ को हमारा एक लोटा पानी नहीं दिया, जिस दिन से अलग हुए हैं 15 साल से, छोटा भाई ने छोटा भाव नहीं दिया है, उसी का वो रहता है, उसका दिक्कत होता है, इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं वहाँ अपना गाय बर्फ बेच करके। क्या नाम हुआ आपका? केदार महतो। केदार महतो, नाम हुआ आपका? मालती देवी। ये जो पेशेंट है वो कौन लगते हैं? वो पति। अच्छा, कैसे मारपीट हुआ था, क्या मामला? अपन घर छाड़े खातिर वहाँ चढ़ा ले कि पानी तानी चाहिए, तो हम घर छाड़ गए, हम घर में निकल पानी पता करे लिए, तब अगल बगल वाला बोल रहे कि बोलना तू तो यहाँ का घर में इतना बोल मारा पर कपड़वा पर इतना चेड़ के वहाँ चला कर से मारपीट में ले हम गए लिए लिखी चाल, हम अपन पति के अपन बेटा के लिखी चाल, घर ना लड़ाई झगड़ा कर गए, तब और हमारा पकड़ के गला घोट लिखा और हमारे गला सोना चेन है, अरे हाथा मार लिए था बोल लोल कर दो पैरवा मार लिए 40,000 वो भी छीन लिया, वो सब छीन छोड़ के यार मारपीट करा सब खुचिया पकड़ धरा नटिया घट लिया बोल मार के बोल मरा दे। फिलहाल अभी आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? कि मांग करते हैं, मांग करते हैं कि साफ से गांव से बाहर है चौरंटा बोलता है, नाम है मोदी देवी, तो बोलता है सब लोग हमें कोई अकेला देखता है तो सब लोग मिल के हम मारने आए थे। कौन कौन मारने के लिए? गोपनी मारने आए थे, भैंसुर मारने आए थे। अच्छा, कब कब का ये घटना, कब मार पीट करने के लिए? 7 बजे। किस दिन? कल सवेरे। कल सुबह का ये घटना? हाँ कल सुबह। कुल कितना लोग आए थे मारने के लिए? 3 आदमी आए थे। ये आपके कौन लगते हैं? बेटा, हमको बेटा है तो इसको बचाने गए तो हमको मारने लगा, ना चोट ना लगा, टांगी से मार दिया, टांगी जब मार दिया तो बेटा जब देखे हैं तो उसको बेटे हमारा फुचिया पकड़ के गिरा दिया, तब बेटा तो मरिया हो गया, तो बेटा कपड़ा पकड़ ले उठे, जब बेटवा हमारे चिचिया लाल है जब मैयो मारे पड़े तो कहिए दो गोटे मिल के गौतनिए और भैंसरे एक पापा मारे हले, तो हम चिल्लाए लगलिए, जब हम चिल्लाए लगलिए तब वह बेटवा हमारे दौड़ के गला छोड़े तखन मरिया भेल है। पवन कुमार वर्मा। अच्छा, आपके साथ में कौन मारपीट किया, कैसे मारपीट हुआ? हम सोए थे तो पूरा जहाँ जहाँ सोने आवाज तो मेरा मम्मी आया बुलाने के लिए, पापा को मारा तो हम दौड़ के गए, हम देखे हैं पापा को मारा था तो बोले मेरा पापा को क्यों मारा, तो हमको टांगी से मार दिया एक बार, तो हम घोलटाने लगे पूरा, तो मेरा मम्मी को भी मारा था उधर उसका बेटा था जो, तो उसको बोले छोड़ो मेरा मम्मी को, तो नहीं छोड़ा था तो हम मेरा खून था माथा पकड़े ऐसे करके और दौड़ के गए मम्मी का साड़ी में लटपटा, तब छोड़ा वो तब उधर मेरे पापा को मारते रहा था, तब देखे तब सब लोग हल्ला करने लगा वहाँ पूरा बच्चा लोग देख रहा था, तब छोड़ा था हम लोग नीचे नाम है। तो कौन कौन आपके साथ मारपीट किया था? मारपीट किया था वही जो उसका बाप था, वही नाम पता है? केदार महतो और उसका मालती देवी। आवेदन नहीं दिए, वहाँ से लोग चिट्ठा दिया वही लेके आए थे हॉस्पिटल, मतलब यहाँ से जाने के बाद आप दीजिएगा। हाँ सर, आपका घर कहाँ हुआ? फुलची। अच्छा, कौन सा थाना है? ताराटा थाना। अब थाना प्रभारी से क्या कुछ मांग करते हैं? वही करते हैं कि हम लोग का ऐसे लड़ाई नहीं होना चाहिए, हम लोग को मार देता है अकेला देखता है तो। आप लोग साथ में मारपीट हुआ है, क्या कुछ कानूनी कार्रवाई करने का मांग? हाँ, कानूनी करते हैं कि हम लोग को ऐसे नहीं होना चाहिए, हम लोग उसको पर केस करेंगे, हम लोग को भी पकड़ लेंगे। हाँ, मेरा मम्मी को टेक के मार दिया था कुएं पर, आया था लेटरिन करके उधर से, बहुत हो गया ज्यादा दिन नहीं हुआ है, और एक बार और पापा को भी मारा था, मतलब लगातार वो मार। हाँ, धमकी भी देते हैं क्या? हाँ, धमकी देता है, मेरा जो बड़का पापा है ना वो बोलता है मेरा पापा को टेक के मार देंगे, कितना कमाता है सबको पूछता है, हम लोग क्या खाएंगे, मेरे पापा को मार देगा तो जान से मारने। हाँ, क्या नाम हुआ? पवन कुमार वर्मा, किशन वर्मा। गिरिडीह से सीनियर संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट।
गौतम बुद्ध नगर जिले के प्रज्ञान पब्लिक स्कूल जेवर में सत्र 2024-25 की PT1 की PTM के साथ हिंदी और अंग्रेजी विषयों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं के अभिभावकों ने PTM में भाग लिया तथा हिंदी एवं अंग्रेजी विषय की प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं के रचनात्मक मॉडल्स एवं प्रस्तुतियों की सराहना की। अंग्रेजी विषय की प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं ने अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध भारतीय साहित्यकारों के जीवन व्रत, उनकी रचनाओं, साहित्यिक विधाओं, गद्य एवं काव्य सौंदर्य तत्वों, बुक कवर, कॉमिक बुक पहेलियाँ, रस्किन बॉन्ड, रविंद्रनाथ टैगोर, खुशवंत सिंह, चेतन भगत, कमलादास, अशोक मित्रन, सुधा मूर्ति, विक्रम सेठ, मुल्कराज आनंद आदि साहित्यकारों के साक्षात्कार को प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत किया। अंग्रेजी विषय की प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं की ज्ञानवर्धक प्रस्तुतियों ने अभिभावकों का ध्यान आकर्षित किया। प्रदर्शनी के माध्यम से अभिभावक को छात्र छात्राओं के सृजनात्मक कौशल, अभिनय कौशल, चिंतन कौशल, भाषा कौशल आदि को देखने का अवसर मिला। हिंदी प्रदर्शनी में बच्चों को जीवन में माँ के महत्व पर भी प्रस्तुति दी। राम मंदिर साहित्यकारों के जीवन व्रत, व्याकरण के प्रकरण, वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अलंकार आदि के मॉडल्स ने अभिभावकों का ध्यान आकर्षित किया। प्रदर्शनी के माध्यम से अभिभावकों को छात्र छात्राओं के सृजनात्मक कौशल, अभिनय कौशल, चिंतन कौशल, भाषा कौशल आदि को निहारने का अवसर मिला। विद्यालय के प्रबंधक हरीश कुमार शर्मा एवं प्रधानाचार्य दीप्ति शर्मा ने छात्र छात्राओं के द्वारा प्रदर्शनी में प्रस्तुत मॉडल्स एवं प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए सकारात्मकता के साथ सृजनात्मक कार्य के लिए प्रोत्साहित किया। नोएडा से सीनियर संवाददाता योगेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। प्रशासन के लाख प्रयास के बाद भी महेशपुर प्रखंड क्षेत्र में नहीं रुक रहा है ओवरलोड व अवैध पत्थर का काला कारोबार। रात के अंधेरे में बेखौफ होकर बिना माइनिंग व ओवरलोड पत्थर, बोल्डर व चिप्स डंपर में लोड कर शहर ग्राम के रास्ते से धड़ल्ले से परिवहन कर रहा है, जिसको रोकने में नाकाम दिख रहा है स्थानीय प्रशासन। सप्ताह दिन बाकी रह गया है पाकुड़ जिला में चुनाव, फिर भी महेशपुर प्रखंड क्षेत्र के पत्थर माफियाओं की बल्ले बल्ले देख ऐसा प्रतीत होता है कि इन माफियाओं को प्रशासनिक कार्यवाही का तनिक भी भय नहीं है। कहीं ना कहीं इन माफियाओं पर प्रशासन भी मेहरबान है, तभी तो माफिया खुले सांड की तरह शहर ग्राम गाँव के रास्ते से धड़ल्ले से अवैध पत्थर परिवहन करने में मस्त है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पाकुड़ जिले में चुनाव इतने नज़दीक होने के बाद भी महेशपुर प्रखंड क्षेत्र में शहर ग्राम गांव के रास्ते से हो रहे अवैध परिवहन पर रोक नहीं लग पा रही है। तो क्या चुनाव में हड़कंप मचाने वालों को रोक पाएगी प्रशासन, पूछती है महेशपुर प्रखंड की जनता। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता धीरेन्द्र साहा की रिपोर्ट। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त प्रयागराज व जिलाधिकारी प्रयागराज द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में अपर पुलिस आयुक्त, मुख्य विकास अधिकारी, पुलिस उपायुक्त नगर यमुनानगर, गंगानगर प्रोटोकॉल, अपर पुलिस उपायुक्त अपराध यमुनानगर व अन्य राज्यों, अन्य जनपदों से आए सुरक्षा बल, केंद्रीय सुरक्षा बल एवं कमिश्नरेट प्रयागराज के अन्य राजपत्रित व अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों व जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ बैठक करते हुए आज पोलिंग बूथों पर मतदान कर्मियों की पार्टियों को रवाना किया गया। देर शाम तक पूरे जिले भर में बूथों पर मतदान करवाने वाली पार्टियों को सुरक्षित पहुंचा दिया जाएगा। मतदान को सुरक्षित और शांति ढंग से संपन्न कराने को लेकर प्रशासन की तरफ से भारी पुलिस बल एवं अतिरिक्त सुरक्षा बल तैयार कर लिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है 4712 बूथ हैं पूरे 12 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मिला के प्रयागराज में। यहाँ पे KP इंटर कॉलेज से 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की रवानगी हो रही है, 261, 262 और 263। और यहाँ पे हम लोगों ने उपस्थिति के 20 काउंटर बनाए हैं, पहले वहाँ पे अटेंडेंस हो रही है, वहीं पे बगल में एक हम लोगों ने MPS ऐप डाउनलोड करने का भी अलग से काउंटर बनाया है। उसके बाद अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में लोग अपना ड्यूटी लेने आ रहे हैं, अपनी पोलिंग पार्टीज पूरी करने आ रहे हैं। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि पानी के टैंकर्स हैं, पानी की पीने की पूरी व्यवस्था है, मूवेबल शौचालय हैं यहाँ पे लोगों को, ताकि किसी तरह की समस्या ना हो। इस तरीके से हम लोगों ने चारों डिस्पैच सेंटर्स में अलग अलग हर एक काउंटर पे ड्यूटी लगा के पूरी विस्तृत तैयारी की गई है। इस तरीके से कल गर्मी रही, मतदान कुछ व्यवस्था करी गई है, मतदान के दिन के लिए भी हम लोगों ने पूरी व्यवस्था कर ली है, सारे बूथों का सही तरीके से निर्माण कर लिया गया है और जो भी आज फिनिशिंग है उस बूथों को दी जा रही है। हम लोग मॉडल बूथ भी बना रहे हैं
और हम लोग बूथों पे सुराही रख रहे हैं, पीने के पानी की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, लोगों के लिए शेड की व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे कि चुनाव आयोग ने हम लोग को बताया है कि चूँकि गर्मी बहुत है तो, और वहाँ पे हम लोग ORS के पोलिंग पार्टीज को भी पैकेज हम लोगों ने दिए हैं, और आम लोगों के लिए भी वहाँ पे एक हेल्प डेस्क लग रहा है जहाँ पे ORS और किसी भी तरीके की मेडिकल फैसिलिटीज़ जैसे दवाई जो है वह उसकी व्यवस्था करी है वहाँ पे। टाइमिंग तो वही रहेगा, मॉर्निंग में सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, जब तक मतदान समाप्ति तक वो वोटिंग होती रहेगी। मैं पूजा मिश्रा, AGM प्रशासन प्रयागराज, डिप्टी GOB हूँ। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।